फूल को जो फूल समझे भूल है यह, शूल को जो शूल समझे भूल है यह। तो कई बार जो कुछ हमें दिखाई देता है वो सच नहीं होता। तो कई बार जिसको हम फूल समझ बैठते हैं लेकिन होते वो क्या हैं, शूल होते हैं। वास्तविक में कई बार जिनको हम फूल समझ लेते हैं वो फूल नहीं होते, बल्कि हमारी क्या होती है, भूल होती है ये। क्यों? क्योंकि उसको फूल समझ लेते हैं। शूल को जो शूल समझे भूल है यह। शूल क्या होती है? हमारे रास्ते में आने वाली रुकावटें, मुश्किलें, तो हम उनको शूल समझ लेते हैं, तो वो भी हमारी क्या है, भूल है। मूल में अनुकूल या प्रतिकूल केकन। मूल क्या होता है? जड़। तो जिस जड़ में हम ये सोचते हैं कि जड़ में अगर पानी देंगे तो उसके लिए अनुकूल, हमने ये नहीं सोचना कि ये उसके प्रतिकूल है या अनुकूल है। ठीक है, जब हम कोई पौधा उगा रहे हैं तो हमें, जब हम, अब कवि ने ये इसमें बताया है कि अगर कोई काम कर रहे हो तो उसके लक्ष्य, मतलब उसके फल पर हमें पहले नहीं पहुंचना चाहिए कि इसके परिणाम क्या होंगे, बल्कि हमें अपना कार्य करते जाना है। धूली भूलों की हटाने आ रहा हूँ। तो कई बार हम जब मूल किसी जड़ को सींचते हैं, मतलब कोई कार्य आरंभ कर देते हैं, तो उसके नतीजे पर पहले ही पहुँचना कि उसके अनुकूल है या प्रतिकूल है, ये हमारी क्या होती है, भूल होती है। तो वो धूल को, उस मिट्टी को, उस धूल को, धूल भूलों की हटाने आ रहा हूँ, तो ये सबसे बड़ी हमारी क्या होती है, भूल होती है, कि हम उसके नतीजे पर पहले ही पहुँच जाते हैं। तो उस भूल को मैं हटाने के लिए तुम्हारे पास आ रहा हूँ। देखकर मझधार को घबरा न जाना, हाथ ले पतवार को घबरा न जाना, मैं किनारे पर तुम्हें थकने न दूंगा, पार मैं तुमको लगाने आ रहा। तो कवि क्या कह रहा है कि मझधार में, जब मझधार में हम फंसे होते हैं, देखकर मझधार को घबरा नहीं जाना, मतलब तुम ये ना घबरा जाना कि मैं डूब जाऊंगा। हाथ ले पतवार, पतवार जो इसने हाथ में पकड़ा हुआ है इसको क्या बोलते हैं, पतवार। पतवार को हाथ में लेकर घबरा नहीं जाना, बल्कि उस समय हिम्मत से काम लेना। क्यों? क्योंकि उसी पतवार के सहारे तुम इस नौका, मतलब जो ये समुद्र है, नौका के साथ पतवार के सहारे ही तुम पार निकल सकते हो। मैं किनारे पर तुम्हें थकने ना दूंगा, अब तुम किनारे पर पहुंचने वाले हो, इसलिए मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें पार लगाने के लिए तुम्हारे पास आ रहा हूं।